मध्य प्रदेश के ईसागढ़ रोड स्थित दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला का शुभारंभ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से 1999 में हुआ था, जहां घायल एवं वृद्ध गौवंशों के चिकित्सीय एवं संरक्षण का कार्य किया जाता है। मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग एवं भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड चेन्नई द्वारा पंजीकृत दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला का शुभारंभ संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं उनकी शिष्या आर्यका रत्न 105 श्री दृढ़मती माताजी एवं श्री तपोमती माताजी ससंग के मंगल सानिध्य में सन 1999 में हुआ था, जिसमें बीमार घायल एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण किया जा रहा है। इस वक्त 400 से अधिक गायें अपने जीवन का निर्वहन कर रही हैं। गौशाला का विशेष उद्देश्य गायों की सेवा, उन्हें भूख और प्यास से बचाना, जो अस्वस्थ गायें हैं उनका समय पर इलाज कराना, यह सब कार्य इस गौशाला में किया जाता है। यहाँ पर कोई भी दुधारू गाय और गौशाला के पास ऐसा कोई आय का स्रोत नहीं है जिससे कि हम गौशाला में स्वयं आय हो रही हो। सारी की सारी गायें और सारा का सारा खर्च जैन समाज अशोकनगर और विभिन्न स्थानों से आए हुए दान राशि के हिसाब से होता है। यह गौशाला विगत 21 वर्षों से निरंतर चल रही है। इसमें गायों की सेवा बहुत अच्छे तरीके से की जा रही है। लगभग 7.5 बीघा के क्षेत्रफल में फैली इस गौशाला में गौवंश के रहने के लिए पक्के फर्श वाले विशाल RCC शेड बने हुए हैं, जिनमें कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन सफाई की जाती है, तो वहीं पशुओं को लाने ले जाने के लिए गौशाला के पास एक मोटर वाहन भी उपलब्ध है, जिसकी सहायता से चारा इत्यादि भी लाया जाता है। ये गौशाला का जो आप विकास देख रहे हैं, इसकी 7.5 बीघा जमीन में एक गौशाला पूरी बनाई गई। इसकी चारों तरफ पक्की बाउंड्री वाल है। इसके अंदर 2 भूसा गोदाम हैं, जिसमें पशुओं को चारा रखा जाता है और इसमें साल भर का हमारा स्टॉक आराम से हो जाता है। इसके बाद इसमें पशुओं को एक मेडिकल वार्ड भी है। इसमें जो असाध पशु जाते हैं उन लोगों को रखा जाता है। गोबर गैस प्लांट है, जिससे हम लाइट की व्यवस्था लेते हैं। जैसे कभी पावर फेल होती है अथवा जो विद्युत मंडल से लाइट नहीं आती, तो हम गोबर गैस का प्लांट, जिसमें हमारे लिए क्या 80% गैस से हमारी जलती और 20% उसमें डीजल का खर्चा आता है। गौशाला के पास हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था रहती है, जिसके उत्पादन के लिए गौशाला के पास उपयुक्त कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। यहाँ सभी पशुओं को नियमित समय पर साफ एवं पोषक तत्वों से भरपूर चारा खिलाया जाता है। वहीं सैकड़ों टन भूसे को रखने के लिए गौशाला में 2 विशाल गोदाम बने हुए हैं। गौशाला में पीड़ित और चोटिल गौवंश ही आते हैं, जिन्हें इलाज के लिए तत्काल जरूरत होती है। इसी वजह से यहां एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है, जिसमें चिकित्सक द्वारा बीमार एवं घायल पशुओं का तुरंत उचित उपचार और टीकाकरण किया जाता है। गौशाला में पशुओं के लिए पानी पीने के लिए हौद बने हुए हैं, जिनमें सदैव साफ एवं ताज़ा पानी उपलब्ध रहता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में गौभक्त गौशाला में आकर अपने हाथों से गौ माता को गुड़, चना, फल इत्यादि खिलाकर पुण्य लाभ लेते हैं। गौशाला समिति ने गौशाला परिसर में एवं आसपास की खाली पड़ी भूमि पर आम, अमरूद, जामुन, लिसोड़ा, चांदनी, गुड़हल एवं कनेर जैसे फल एवं फूलदार पौधे रोपित किए गए हैं। इनकी वजह से गौशाला का वातावरण मनोरम, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रहता है। वहीं छोटे बच्चों के खेलने के लिए पार्क है, जिसमें झूले इत्यादि लगे हुए हैं। हमारे परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से इस गौशाला का निर्माण हुआ। परम पूज्य प्रमाण सागर जी और समता सागर जी महाराज जी का इस गौशाला के निर्माण में अद्वितीय सहयोग रहा। परम पूज्य आर्यका दृढ़मती माता जी के सानिध्य में जो वर्तमान में गौशाला संचालित है, उसका उद्घाटन आर्यका रत्न 105 दृढ़मती माता जी के सत्संग सानिध्य में संपन्न हुआ। तब से यह गौशाला निरंतर प्रगति की ओर है और वर्तमान कमेटी आचार्य जी के मूक प्राणियों के प्रति जो करुणा और दया के भाव को रखे हुए अपने मन में संजोए हैं, उस करुणा के भाव को यहाँ की प्रबंधकारिणी हमेशा अपने सिरोधार्य करते हुए मूक पशुओं की रक्षा कर रही है।
गौशाला में एक गोबर गैस प्लांट भी स्थापित है, जिसकी गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो वहीं पशुओं के गोबर से खाद भी बनाई जाती है, जिसका उपयोग गौशाला के खेतों में चारे के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा गौशाला में जनरेटर एवं सौर ऊर्जा संयंत्र की भी व्यवस्था है। मैंने इसका बहुत प्रचार प्रसार किया है, स्कूलों में जा जाके बच्चों को कहा है कि किसी का जन्मदिन या अपने पेरेंट्स की मैरिज पार्टी, कुछ भी इस तरह का कुछ भी प्रोग्राम हो तो आप लोग सब आइए और गौशाला में ये सब उत्सव मनाइए गायों की सेवा करके। गायों की सेवा करने से बहुत लाभ होता है और मैंने ये अपनी लाइफ में भी देखा है। कभी मुझे कोई तरक्की मिली है तो केवल गौशाला में आकर दान देकर ही मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ और इसका लाभ मुझे बच्चों को भी मिला है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से गौशालाएं संचालित हैं। वास्तव में इन केंद्रों पर गायों की जो देखभाल हो रही है वह प्रेरणा स्रोत है। जन फोकस के लिए अशोक नगर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।